15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और यहाँ पे सील है अच्छा खासा, ठीक है। इसको चाकू से ऐसे काट सकते हैं, बोला नहीं है। तो यहाँ पे एक बिल निकलता है, 7:03 हो रहा है 2 तारीख संडे, और ये पूरा पैक है। और आपका टाइम हो गया 7:00, 2 तारीख 2 अप्रैल संडे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़गवान चटको। हेलो, तो बाइक में हीरो एवेना में फॉग लाइट खराब गया था, तो फॉग लाइट मंगाए हैं, ज़्यादा महंगा नहीं बनाए, काम चलाने भर के मंगाए हैं। आपको तो पता है मैं प्राइवेट काम करता हूँ, खांसी आ रही है, दवा लिए हैं, बिखार जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपको तो पता है कि मैं प्राइवेट काम करता हूँ, तो अपनी बजट के हिसाब से सारा इस्तेमाल करता है। मेरे पास जब बजट हाई रहता है तो मैं हाई सामान लगाता हूँ, और जब बजट लो रहता है तो लो सामान लगा देता हूँ। लेकिन ये लाइट आपको दिखाएंगे, अच्छा रहेगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा रहेगा तो बताइएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ शेयर करना बताना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा एडवाइस आप लोग दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा बॉक्स, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, और इसमें निकलेगा फॉग लाइट जो लगभग मुझे 300 या 350 रुपये पड़ा था। ये फिर MRP हम देख लेंगे ऑनलाइन कितने का ये मंगाए थे, क्योंकि ये तीन या चार दिन हो गया, और आज संडे है, मंडे को मेरा मान है। मंडे को मान क्या कि जो हमारे पिताजी थे वो मंडे के दिन ही एक्सपायर हुए थे, तो उस दिन कोई भी सामान हम खरीदते नहीं है, ना कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब उस दिन सिर्फ जो ओल्ड काम है ओल्ड काम करेंगे, नया कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा माता श्री बोलती हैं। और फ्राइडे को बड़े भैया एक्सपायर हुए थे, तो फ्राइडे को भी यही नियम रखना पड़ जाता है, कुछ खरीदना नहीं, ओल्ड काम ही जो है वही करना रहता है। तो ये फैमिली लोग मानते हैं, तो हमको भी मानना पड़ जाता है, और कभी कल ऐसा कोई काम करते हैं ना तो उल्टा ही हो जाता है, तो हमको भी थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं मम्मी बोल रही थी तो सही बात होगा, तो उसी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। तो यही दोनों है, और एक दिन माना जाता है कि अगर हमारी फैमिली में जैसे हमारी शादी हो गई और मंडे को या फ्राइडे को बेबी कोई पैदा हो गया तो बॉय में, तो वो मन जो मान रहता है वो कट जाता है, तब वो मान नहीं माना जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा क्या है क्या नहीं है, और जो मैं बताया हूँ सही बात है कि गलत है, तो कम से कम हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि ऐसी चीज़ें फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए। बाकी कुछ भी रहता है आप लोग शेयर करते रहते हैं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मान को मंडे को फ्राइडे को नया काम कोई नहीं कर सकते हैं। बाकी अनबॉक्सिंग इसका करते हैं, देखते हैं कि जो फॉग लाइट मंगाए हैं वही फॉग लाइट है कि दूसरा है, और पैसे व्यवस्था कर रहे हैं दूसरी बाइक लेने के लिए। और अभी तो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी बाइक ले रहा हूं, लेकिन आप लोग कभी बताइएगा कौन सी बाइक पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको तो पता है कि हार्ड मनी मेरा है, और मुझे बहुत मेहनत से हम पैसे जुटा के यूट्यूब पे इन्वेस्ट करता हूं। और दूसरी बात है कि जब आप अपने कमाई से यूट्यूब पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। अब हम फॉग लाइट भले 300-350 का मंगाएं, जो हम पहले लगाएं फॉग लाइट ना वो 2500 रुपये का, समझ रहे हैं, जो मैंने फॉग लाइट लगाया वो 2500 रुपये का है, और लगभग 2-3 महीना चला उसके बाद कहानी खत्म हो गया। और ये मंगाएं 300-350 का होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ये देखते कितने दिन चलता है। और कुछ लोग हैं कि पापा के पैसे से यूट्यूब पे पैसा तो खर्च करते हैं, बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे पैसा खर्च करते हैं फैमिली का, लेकिन उनको ये अभी नहीं पता चलेगा कि पैसे खर्च करते हैं तो कमाई कैसे जाता है। जब पैसे कमा के यूट्यूब पे खर्च करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि महंगा सामान क्या होता है, सस्ता सामान क्या होता है। ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, अभी तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, हमारे लाइफ में रियल लाइफ में जो होता है मैं वही दिखाता हूँ, और जो रियल लाइफ है मैं वही दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दिखाना और करना अलग हो जाता है। तो जो हम खरीदते हैं वो दिखाते हैं, जो हमारे लाइफ में होता है वो हम दिखाते हैं। तो वो भी बता दिए कि पुराना जो प्रोडक्ट लगा वो 2500 रुपये का था, और जो भी चला भी नहीं, और ये 350 रुपये का होगा, इसको MRP देख लेंगे एक बार, और अमेजॉन से मंगाए थे। बाकी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। 7:03 हो रहा है 2 तारीख संडे, और ये पूरा पैक है, और इधर से पूरा पैक है, कहीं से खुला नहीं है, इधर से पूरा पैक है, इधर से भी है, और इधर एड्रेस है, तो पता है ना कि एड्रेस आपको दिखा देंगे तो लोग इसको इसके थ्रू घर पे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एड्रेस आपको नहीं दिखा सकते हैं। बाकी सब कुछ पैक है, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी तो अब आपको दिखा दी तो सारा पैक है, कैसे खुला वुला नहीं है। तो यहाँ पे एक बिल निकलता है, ठीक है, और ये बॉक्स निकलता है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, साइड रखते हैं। और ये देख पा रहे होंगे अच्छे से पूरा पैक है, बहुत दिनों के तो अनबॉक्सिंग नहीं किए थे, तो अनबॉक्सिंग करना तो बनता है, और इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे सील है अच्छा खासा, ठीक है, इसको चाकू से ऐसे काट सकते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं जो हम मंगाए हैं वही है कि दूसरा कुछ है। तो फिलहाल यहाँ पे एक निकलता है स्विच,
जो कंपनी का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन ऑन ऑफ है और ये आराम से सेट हो जाएगा। और कुछ इतना बड़ा वायर है फ्लिप्स ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आप फॉग लाइट में जो मंगाया था वही है, और इसको चेक करना तो बनता है लेकिन मैं जब इंस्टॉल बाइक में लगाऊंगा तो आपको सारा उसका अलग ब्लॉग डालूंगा, इस रिपे अनबॉक्सिंग का है। तो 1 2 3 4 5 तो 5 5 10 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये 15 LED लाइट है इसमें, और अच्छा खासा ये सेटअप हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन कितना दिन चलता है ये मैं बताऊंगा आपको। तो एक स्विच निकला है, ठीक है, और दोनों कम्बो सेट है। ये मैं सेटअप कर लूँगा। तो यहाँ पर है स्विच जो ऑन ऑफ के लिए है, और क्लिप इसका इस तरह है, ठीक है। और ये लाइट फॉग लाइट है, ठीक है। MRP अभी मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे कितना लिखा है। MRP इस पर लिखा है गाइस 999, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है MRP 999, लेकिन ये पड़ा है 350 रुपये का। हम चेक किए थे अमेजोन पे 350 रुपये का पड़ा है। MRP लिखा है 999, लेकिन मैं ऑफ़र में ख़रीदा हूँ तो 350 रुपये का पड़ा है। तो ये रहा फॉक्स और ये रहा बिल, ठीक है। और ये बॉक्स में कुछ नहीं था, ये तो फॉग लाइट था। और मुझे लगता है ना ये अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि कुछ सामान सस्ता तो रहता है लेकिन अच्छा चल जाता है। तो हल्लुक भी है, LED लाइट है, और बाइक में जब इसको सेटअप करेंगे तो उसका अलग ब्लॉग डालूंगा बनाकर। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये सिर्फ अनबॉक्सिंग था, बहुत दिन के तो अनबॉक्सिंग नहीं किए थे। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा। आप वीडियो शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए गाइस। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा चैनल ग्रोथ खाएगा और हम पैसे यूट्यूब पे खर्च करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो सिर्फ यूट्यूब पे पैसा नहीं खर्च करना है, यूट्यूब पे उतना प्यार मिलना चाहिए। तो फटाफट प्यार दीजिए, साथ करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और बाकी यूट्यूब पे हम आपको इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे, अनबॉक्सिंग करते रहेंगे। और अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और अनबॉक्सिंग सबको नसीब नहीं होता, लेकिन आप लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं इसलिए अनबॉक्सिंग कर पा रहे हैं। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जड़े थे बंदा कामयाब हों दुश्मनी वहीं बढ़ जाती है, ताही क्या है।